लूट ली का, बहुत बुरा लूट लिया। चलिए गाइस कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कुछ शॉपिंग। कोई मतलब नहीं है गाइस, पैसा नहीं हमारे पास। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में द वीडियो वर्ल्ड। और अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं गाइस, तो हम ऑफिस से निकल चुके हैं जस्ट अभी, और हनुमान धाम जाने का प्लान हो रहा है। तो गाइस चलते हैं अभी घर, चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं, बताते हैं आपको। तो अपने धन्नो उठा के हम निकल चुके हैं ऑफिस से अपने घर के लिए, जाके यहाँ पे चेंज करेंगे और अभी बाइक उठाएंगे और चलेंगे। तो भैया मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, यहाँ से आगे जाएंगे केडी सिंह स्टेडियम की टिकट लेके हनुमान धाम। भाई का जूता ही खुल जा रहा है बेचारे का। जय बजरंगबली, जय माता दी। और भैया फिर से चढ़ गए एलिवेटर पे, खाली एलिवेटर है, चढ़ चढ़ के दिखाएंगे। और हम टोकन लेके आगे निकल आए थे, रवि भाई खड़े रह गए थे टोकन के लिए वहाँ पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वापस दूर जाके वापस रवि भाई को हमने टोकन दिया है, और उसके बाद रवि भाई एंटर कर पाए हैं यहाँ पर। तो हम चढ़ गए हैं, हमारी मेट्रो आगे खड़ी हो गई होगी जिसमें बैठेंगे, जाके देखेंगे। ये देखिए इंतजार कर रही हमारा, रुतबा तो है गाइस, कोई बात नहीं। हेलो गाइस, हम लोग केडी सिंह स्टेडियम पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, नॉट बैक टू हिज चैनल। गाइस जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सब इनको जाके सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत प्रसन्नतापी आदमी है गाइस। चलिए गाइस कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कुछ शॉपिंग। कोई मतलब नहीं है गाइस, पैसा नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं, आपने केवल डोमिनोज देखा होगा, हम उसके लड़के रोमिनोज को भी दिखाएंगे अभी, एकदम जस्ट सामने ही है वो। हाँ, जिंदगी में आप लोगों ने देखा नहीं होगा गाइस, डोमिनोज का भाई रोमिनोज। भाई देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रहा डोमिनोज हमारा, और ये रहा रोमिनोज भाई। मतलब कैसे कैसे ये कॉपी कर सकता है कोई इतना। तो भाई ये वो जगह थी जहाँ पे आकाश भाई और विशाल भाई को धोखा मिला था, मतलब यहाँ पर वो लोग खड़े थे बेचारे की तरह, और उनको कोई अपने रूम पे नहीं ले गया, बेचारे होटल में जाकर सोए और होटल में भी लड़ाई कर ली। बड़ा धोखेबाज है लड़का गाइस, होटल में भी लड़ाई कर लिए गाइस, और उसके बाद दूसरे होटल में गए, वहाँ जगह नहीं मिली, रात भर फुटपाथ पे सोए, दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के सुबह चले गए थे गाइस। हमारे रवि भाई के जू बताई गए पैदल चलत चलत गाइस, बहुत पैदल चलवाएंगे गाइस, मुंशी पुलिया तक पैदल लेकर आए, फिर उसके बाद केडी सिंह स्टेडियम से फिर से पैदल लेके जा रहे हैं इनको, बजरंग बली के दरबार जाना, इसीलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। नहीं तो फार्चूनर से नीचे नहीं चलते हैं गाइस, फार्चूनर घर पे अगर मूतने भी जाते हैं तो स्प्लेंडर इनकी खड़ी रहती है, उससे मूतने जाते हैं गाइस। सही बात है स्प्लेंडर से मूतने जाता हूँ, हर्षित भाई को बैठा कर मूतता हूँ मैं। भैया डेस्टिनेशन रीच कर चुके हम लोग हनुमान धाम के, बस आगे पहुंच गए हैं। बड़ी होगी व्लॉगिंग टिप्स में तो हमसे पूछिएगा गाइस, बिल्कुल बहुत प्रो व्लॉगर हो चुका हूं गाइस, भले व्लॉग नहीं डालता हूं कुछ दिन से ऑफलाइन हुआ, लेकिन प्रो व्लॉगर हो चुका हूं गाइस बार-बार मत बोला करो, दिस इज हेवन, यही है जन्नत गाइस, यही है जन्नत। भैया अपने ब्रांडेड शूज उतार दिए यहां पर 2500 के, और रवि भाई बोल रहे हैं कि हमारे 1800 के हैं, तो उसको कोई लूट ना ले जाए। तो भैया पहुंच चुके हैं हम लोग हनुमान धाम, जिसको लखनऊ में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल माना जाता है, और इस जगह की खूबसूरती आपको इसमें दिख जाएगी, क्योंकि मुंह से बोलने से और दिखने से अलग अलग फ़र्क रहता है। तो देखिए आप लोग एक बार अपनी आँखों से देखिए, तो यहाँ पे हमने प्रसाद तो चढ़ा दिया था, अब समय आ गया था कीर्तन में शामिल होने का। तो चलिए एक बार
यहाँ पे गाइस बजरंगबली के जितने भी रूप थे, जितने भी प्रकार के उन्होंने रूप धारण किए थे, सभी प्रकार के रूपों का विस्तरण किया गया है। और यहाँ पर हमारे बाल हनुमान जी लेटे हुए हैं, इनका विश्राम कक्ष है। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, ये देखिए। श्रद्धालु यहाँ पे जाके दूर से ही अपना माथा टेकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है गाइस। तो गाइस हम लोग अभी जो भी था, मतलब हनुमान चालीसा और इनमें सब में सम्मिलित होके अब हम जा रहे हैं पीछे की साइड, जो भी ये हनुमान धाम का पीछे की साइड है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है गाइस। ये पीछे की साइड तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आगे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। श्रद्धालुओं की काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है गाइस। अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए भाई, थोड़ा सा सुकून चाहिए अगर थोड़ी देर के लिए, तो भाई आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं एक बार। यहाँ पे अलग ही कृपा है भाई, बजरंगबली की अलग ही कृपा है। यहाँ पे क्या गज़ब कवि हुए, देखिए गाइस सीन है भाई एकदम, मतलब मस्त मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सुकून है भाई, यहाँ पे यहाँ हमारे भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए गाइस व्यू, ऐसे मत कैप्चर करो। चलिए ये मधुर मधुर संगीत जो बज रहे हैं गाइस, ये अलग ही फील देते हैं यहाँ पे। यहीं इसी जगह पे हमारे प्राचीन हनुमान जी, जो कि 400 वर्ष पुरानी जिनकी मूर्ति रखी गई है, कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम मूर्ति यहाँ पे रखी गई है बजरंगबली की। तो यहीं पे हमारी गोमती नदी का किनारा भी है गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू देता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं दर्शकों के लिए, आराम से बैठ के अपना यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जितना मैं आपको अगर व्लॉग में दिखाऊंगा, उसका दुगना या फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ गाइज, कितना गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज, मतलब अलग लेवल का है भाई ये। एक बार आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉग से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। ये देखिए, ये फ़ोटो के लिए मरे जा रहे हैं, ये फ़ोटो के लिए मरे जा रहे हैं महाराज। हम आपको दिखाते हैं, रवि आगे के हमारे रवि भाई गाइड करेंगे यहाँ पर क्या कैसे हैं। भक्ति प्लेस तो है ये, लेकिन कुछ लोग कुछ दूसरा बना दिए। आप लोग इधर सबसे बड़ी बात, ये जो नाला है यहाँ पे, ये नदी कही जाती है, गोमती नदी है, गोमती नदी कोई मतलब नहीं है इस नदी का, नाला बन चुका है पूरा गाइस। जितने कचरा फेंकते हैं सब इसी में फेंकते हैं, अशुद्धता को आप दूर करिए मोदी जी, आप दूर करिए। शॉर्ट पहना हूँ मैं, आगे नहीं जा सकता हूँ। तो भैया लगभग ब्लॉक टूर पूरा कर दिया हमने यहाँ का, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये देखिए। आप सभी को बता दें कि शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही भव्य भजन किया जाता है। मंगलवार को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदरकांड के बाद भजन होता है, और उसके बाद शनिवार को यहाँ पर हनुमान चालीसा के बाद भजन होता है। मंदिर खुलने का टाइम गाइस सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक है, और सुबह 6 से 8 के बीच में आरती होती है यहाँ पर, और शाम को 8:30 बजे के बीच में आरती होती है। और आप सभी को बता दें कि सुबह 6 बजे खुलने के बाद बीच में मंदिर कभी बंद नहीं होता है, सीधा शाम को प्रसाद बंटने के बाद, आरती होने के बाद ये मंदिर बंद होता है। तो लोग गाइस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं अपना यहाँ पर एक और ये वीडियो ब्लॉग शूट, और हम लोग घूम चुके हैं गाइस पूरा हनुमान धाम, फोटोग्राफी भी करा चुके हैं हम लोग, एकदम बूम बाम वाली फोटोग्राफी भी हो चुकी है।
और ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है गाइस, एकदम दिल को छू जा रहा है गाइस, मजा आ रहा है एकदम से, बहुत ज्यादा अच्छी फील आ रही है। और ये हमारे पीछे गोमती नदी, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं अपने ब्लॉग में, भूख लगी हुई है बहुत तगड़ी गाइस, एकदम पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब चलेंगे कुछ खाएंगे, देखते हैं रवि भाई के पास अगर पैसे होंगे तो, रवि भाई के पास अगर पैसे होंगे तो कुछ खिला जरूर देंगे। गाइस हमारे पास तो पैसे बचे नहीं है, चलिए देखते हैं कहीं से मांगेंगे। सब कुछ सरकार तुम्हें से समझ रहे हैं आप। जय हो मेरा कोई नहीं है दुनिया में, सत्य वचन है प्रभु। हमारे रवि भाई बुरी तरीके से जो थक चुके हैं फोटोग्राफी करते करते, थकवा लिए गाइस, 50 फोटो खिंचवाते हैं तब कहीं की एक फोटो अच्छी लगती है, वो भी नहीं पोस्ट मारता हूँ, करता हूँ पोस्ट नहीं करते हैं, मेरी खींचना होता है गाइस तो इनकी फट जाती है। दो ही तीन खींचता हूँ गाइस, लेकिन परफेक्ट खींच देता हूँ, आप जानते ही हैं परफेक्ट फोटोग्राफर हूँ, परफेक्ट फोटो खिंचाता भी हूँ, ऐसे कुछ नहीं होता है गाइस। एक भली औरत मिल गई जो हम भूखों को प्रसाद दे दी, एक एक लड्डू खा के मजा आ गया गाइस, भूख लगी थी गाइस। भैया घूम टहल के निकल आए हैं दर्शन करके बजरंग बली के, अब बहुत जोर के भुखाए हुए हैं, एकदम भूख लगी हुई है, चलिए देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए गरीबों को खाना तो खा लेंगे, दिखा देंगे आपको वो भी शॉर्ट गरीब लोग कहाँ खाते हैं। लूट ली का बहुत बुरा लूट लिया, जोरता ही लूटा। यहीं से गाइस हनुमान सेतु का भी रास्ता है, यहीं पे थोड़ी दूर पे पड़ता है हनुमान सेतु भी, वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब दर्शन करने के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है गाइस, इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है, पर यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ रहती है तो ये सुकून की जगह है। भीमसाल भाई, भीमसाल भाई और अमकाश भाई, ये जगह याद है क्या तुमको? ये पकड़ो, नाच दियो एक चक्कर, नाच दियो कुछ भी कुछ भी। ये केडी सिंह स्टेडियम, मेरे को क्यों दिखा रहे हो, कंटेंट नहीं मिले। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा। तो गाइस रवि भाई यहाँ पे खाना चाप रहे हैं।